जैसे ही सातवां आठवां महीना लगता है, हर प्रेग्नेंट माँ को चिंता होने लगती है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, मैं क्या करूँ, और वो बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ने लगती हैं, ढूंढने लगती हैं, खोजने लगती हैं और तरीके अपनाने लगती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम में, और आज हम जानने वाले हैं कि सुरक्षित और बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, उसके लिए आपको क्या करना है। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपको सबसे पहले अपने बच्चे की पोजीशन पता होना चाहिए। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से मिलें, सोनोग्राफी हो के पता चलता है कि बेबी ब्रीज में है या फिर सर नीचे हो चुका है ना, बेबी का हेड डाउन हो चुका है। अगर ऐसा है, सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, फेवरेबल है, तो आप कुछ कोशिशें कर सकते हैं जिससे कि बहुत आसान हो आपकी नॉर्मल डिलीवरी। सबसे पहले स्क्वैट्स लगाना, आप अपने पार्टनर की हेल्प से, घर में कोई भी हो उसकी हेल्प से स्क्वैट लगाएं, एकदम अकेले ना लगाएं, गिरने का डर होता है। आप वॉक करें, जितना हो सके गैप ले लेके, बैठ बैठ के, पॉज ले लेके आप वॉक करें, इससे आपके जॉइंट्स खुलेंगे। वैसे बॉडी खुद की अपनी पूरी तैयारी करती है, हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके जॉइंट्स को लूज कर देते हैं, उस समय कमर में जॉइंट में दर्द भी तो रहता है, ये निशानी है कि आपका शरीर तैयार हो रहा है। लेकिन खुद से क्या करना है, हीमोग्लोबिन अप रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन लो नहीं आना चाहिए, आयरन रिच फूड अच्छे से खाना है, चुकंदर, अनार, टमाटर का सूप, पालक, बहुत सारी अच्छी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ जिनसे कि आयरन अच्छा मिले, और अगर सप्लीमेंट चल रहा है तो सप्लीमेंट को कंटिन्यू रखें जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत अच्छा रहे और कोई चिंता ना हो। इसके साथ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन आपको स्टैमिना देगा, तो प्रोटीन युक्त पदार्थ ज़रूर खाएं, डेयरी फूड्स को अवॉइड ना करें। तीसरी चीज़ जो आपने उम्मीद नहीं की होगी कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद, आपकी नींद, आपकी नींद आपको बैलेंस रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको बहुत जल्दी डर लगेगा, घबराहट होगी, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी कि पता नहीं मुझे कितना पेन होगा, मुझे कितना ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। इसलिए रात को अच्छी नींद लें, इस समय नींद बहुत कम आती है, इसीलिए जब भी शरीर अलाउ करे थोड़ी देर लेटे, नैप लें, दिन में दो बार लगे, 24 घंटे में दो या तीन टुकड़ों में आप सोएं, पर 7 से 8 घंटे की, 9 घंटे की नींद आप लीजिए। जब एकदम टाइम आ जाता है डिलीवरी का, तब निपल स्टिमुलेशन देना बहुत सही होता है और इससे लेबर स्टिमुलेट होता है। डिलीवरी का टाइम आ गया है, आपके 37 वीक कंप्लीट हो चुका, तब आप पका हुआ पपीता अपने डॉक्टर से बात करके खा सकती हैं। जब डॉक्टर प्लान कर रही हैं आपके साथ कि कब आपको लेबर के लिए ले जाया जाए, तो आप पका हुआ पपीता ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल भी मिल्क में ऐड करके दिया जाता है, लेकिन ये बिना अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है, क्योंकि 9 महीने आपने तब ही की एक तरह से तपस्या की है, उसको बहुत ही सुंदर नतीजे तक पहुँचाना है, अपनी मर्जी से इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें। बात करें अपने डॉक्टर से, और कैस्टर ऑयल आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे नाइट में लेने के लिए। इसके अलावा रास्पबेरी टी भी नॉर्मल डिलीवरी को स्टिमुलेट करती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे नॉर्मल डिलीवरी सरलता से हो जाती है, लेकिन हमेशा मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए, ये चीज़ें खुद से नहीं करनी है, क्योंकि छोटा मोटा भी मिस्टेक जो कि आपसे हो जाए अगर, तो बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है, आपको नुकसान पहुँच सकता है, और ये आपके दुख का कारण बन सकता है। टेक केयर, बाय बाय।